नवरात्र का छठवां दिन है। हर कोई इस नवरात्रि में 9 दिन माता से मनोकामना करता है और चाहता है कि हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हों। इस तरह हम कुशीनगर जिले के चेड़ा माता के मंदिर पे आए हैं, जहाँ से लोग बताते हैं हमको ये लगभग 7 पीढ़ियों से हम माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं, 7 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियों से। तो हम यहाँ कौन भक्त आता है और कैसे पूजा करता है, भक्त की मनोकामनाएं कैसे माता जी पूर्ण करती हैं, हम इस मंदिर के आचार्य से जानना चाहेंगे कि मंदिर कितना पुराना है और भक्तगणों को कैसे आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होता है। ये मंदिर लगभग 30 सीढ़ियाँ है, जो इतनी हाइट है। लोग मानते हैं कि पहले यहाँ मिट्टी का पूजा करते थे और जो मिट्टी का पूजा करते थे वो मिट्टी माता के स्थान पर छोड़ के चले जाते थे, जिसकी वजह से माता रानी का मंदिर इतना ऊँचा हो गया है। इस लगभग हम जानते हैं कि 30 सीढ़ियों के बराबर ये माता रानी का स्थान है। तो माता रानी का स्थान पे आए हुए हैं हम माता छेड़ा के मंदिर में, जहां 10 पीढ़ियों का मतलब ये हो गया कि अगर एक पीढ़ी 50 साल भी मानी जाए तो भी लगभग 300-400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की आस्था के बारे में हम यहाँ के आचार्य से भी जानेंगे और मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर भी जुड़े हैं उनकी आस्था भी जाते हैं, और वो स्थान हम आपको जरूर दिखाएंगे जहाँ माता रानी माता छेड़ा स्वयं धरती माँ के कोख में चली गई थी। तो सबसे पहले हम आपको उस दिव्य जगह का दर्शन कराते हैं और ले चलते हैं हम। तब तक के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ, मैं पंकज कुमार पांडे, कुशीनगर। माता जी कैसे यहाँ विराजमान हुई और जो भक्तगण यहाँ आते हैं और माता जी समर्थक मांगते हैं उनकी मुराद कैसे पूरी होती है? ये बहुत प्राचीन काल का यह मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है। यह देवी देवरवा ग्राम के एक ब्राह्मण कन्या है, बगल उनका खेत है और वहाँ जो है उनके घर परिवार में कुछ मीठा लांछन दिए। उस लांछन के उपरांत अपने को सत्यता सिद्ध करने के लिए माँ धरती माँ से यहाँ आकर कही हैं कि माता जी अगर हम सत्य हैं तो आप फटें और हम इसमें प्रवेश करेंगे। माता पृथ्वी माँ जो है फट गई और उसमें प्रवेश कर गई, और पुराणों के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से, साधु जनों के माध्यम से ये होता है कि जगत जननी माँ सीता जो है पृथ्वी पर समाई के हुए ये जीते जागते जाग हम लोगों के जो है समक्ष में यहाँ जो है इनका जो है यह अंतर्ध्यान यहाँ हो गई, और तभी से यहाँ जो है माता जी का यह जो स्थान है लोगों के द्वारा चहुदिस से जो भी भक्त पहले आते थे तो मिट्टी का चढ़ावा यहाँ करते थे। मिट्टी के चढ़ावा करते करते यह इतना ऊंचाई स्थल हो गया, उनका मंदिर बन गया, और यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। ज़्यादातर मनोकामना जो है अगर नारियों के पास पुत्र नहीं है उनका मन्नत करते हैं, पुत्र का प्राप्ति होता है। इसके बाद कहीं किसी के घर परिवार में कोई जाह है, रोग है, इनकी भगवती मात्र से जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। पशु प्राणी घर परिवार हर तरह की जो है सारी मनोकामना पूरा। साल भर यहाँ लोग अपना शादी विवाह अन्य कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है मंदिरों में? हाँ, पूरे वर्ष जो है यहाँ कन्या दिखैया काल, लड़की या लड़कों की छकैया के काम है जिसको बरक्षा कहते हैं। इसके बाद विवाह का काम होता है, कथा का कार्य होता है, और पंडितों के द्वारा जो है यहाँ अनुष्ठान प्रक्रिया चलती है, यह सारा कारोबार यहाँ चलता है। ये मंदिर लगभग कितने वर्षों पुराना माना जा सकता है? यह मंदिर जो है बहुत अधिक पुराना है, हम इसका जो है वह नहीं कर पाएंगे, अंकित नहीं कर पाएंगे कि यह कितने वर्ष पुराना है, लेकिन बहुत पुराना है। हमारा भी घर हुआ है वहीं के हैं हम। कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी पूजा करते हुए? यह जो है कम से कम 10 पीढ़ी तक तो हम देख रहे हैं। 10 पीढ़ी तक हम नहीं कर पाएंगे कि यह कितने वर्ष पुराना है, लेकिन बहुत पुराना है। हमारा भी घर हुआ है वहीं के हैं हम। कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी पूजा करते हुए? यह जो है कम से कम 10 पीढ़ी तक तो हम देख रहे हैं। 10 पीढ़ी तक हमको यह प्रतीत हो रहा है, उसकी बात का भी याद है, लेकिन बहुत पुरानी। यहाँ के आचार्य कौन है सर? यहाँ के आचार्य जो हैं पंडित ब्रजेश तिवारी, वो इस वक्त हैं मंदिर में। हाँ, ये सब यहीं पर है मंदिर। चलते हुए मंदिर को दिखाने की कोशिश करिए आप जी।
चलते हुए मंदिर को दिखाने की कोशिश करिए। और ये आइए माता जी के दरबार में। सामने देखिए यहाँ सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होने के बाद जगतजननी माँ भगवती जड़ा देवी की पूजा होती है। उसके बाद बगल में विष्णु भगवान शालिग्राम देवता है, उनकी पूजा होती है। इसके बाद अब आप आगे बढ़ें, आइए जो केड़ा देवी हैं, इसी स्थान पर यह जो है अंदर पृथ्वी से कम करके फटने का आदेश इनके शब्दों से हुआ और धरती माँ फट गई और इसी जगह पर प्रवेश की जहाँ की इनका यह मंदिर कायम आज तक। यहाँ जो है मन्नते लोग करते हैं, यहाँ अनुष्ठान पूजा करते हैं और सबकी हर मनोकामना पूरी। इसके बाद बगल में आपका ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ जो है यह बहुत पुराने तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो है स्थापित किए गए हैं और संगति में सती है भगवानी। हनुमान जी के पहले जो है देवी जी के बगल में एक भैरव जी ने भैरव